अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार यादव, नेता आम आदमी पार्टी, द्वारका सी वार्ड 47S। आप सबको जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे से इस पर्व को आनंद लें और अपने परिवार का अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। पूर्णिया एक बार फिर से दहशत के आगोश में। आपको बता दें, पूर्णिया से आ रही है बड़ी खबर। जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के सबदलपुर में दिन दहाड़े जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। एक व्यक्ति को 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच आरंभ है। मृतक कस्बा थाना क्षेत्र के सब दलपुर निवासी दयानंद ठाकुर बताया जा रहा है। जब पापा लौट रहे थे ना, तो रास्ते में इसको ये गोली मार दिया। जब पापा भाग रहे थे ना, मतलब रोड के बगल में गड्ढा ही होता है, उसी गड्ढा में पकड़ के इसको घटा के वहां दो गोली मार दिया। इसके पास कागज पत्र था जमीन का, वो छीन रहा था। जब पापा तभी सांस रह चल रहा था, जब कागज नहीं दिया पापा, उंगली था करके थूक क्या कर दिया उंगली। और चंदन मिश्रा जी जाती सब भी था, उन सबके साथ गाड़ी में बैठ के भाग गया। किसने मारा? चंदन मिश्रा। कहाँ का है चंदन मिश्रा? सबदलपुर का है, उनका घर के बगल में ही है। भाग गया अभी गोली मार के। पहले से जमीन का विवाद? हाँ, पहले से ही चल रहा था। कितना दिन से चल रहा था जमीन विवाद? क्या, कितना दिन से जमीन विवाद चल रहा? 2 साल से जमीन का चल रहा। क्या नाम है तुम्हारा? काजल कुमारी। मृतक की बेटी काजल कुमारी ने बताया कि दयानंद ठाकुर अपने ही भाई के साथ 18 एकड़ खेती की जमीन को लेकर वर्षों से विवाद में है। जमीनी विवाद को लेकर एक दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि धमकी मिलने के बाद से ही परिवार दहशत में है। दयानंद ठाकुर कस्बा थाना शिकायत करने गए थे। शिकायत करने के बाद थाना से निकलकर घर जा रहे थे। इसी क्रम में घर से 1 किलोमीटर पहले खोपाकट्टी के समीप दोपहर 12 बजे घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 3 गोली लगने से दयानंद ठाकुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की बेटी ने हत्या का आरोप मढ़ा है अपने ही रिश्तेदारों पर। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में कौन अपराधी और किसकी क्या मंशा थी, यह स्पष्ट होगी। किस तरह अपराधी जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचते हैं, यह भी देखना जरूरी होगा। पुलिस के लिए निरंतर पूर्णिया में विधि व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो गया। पूर्णिया से कौन रजा की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खड़ा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।